बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार आम जनता को लूटने का काम कर रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आज हर वर्ग परेशान है। हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कि मीडिया ने आज हमारे इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है और ये जो जनहित के लिए, जनहित के मुद्दे पे हमारी टीम, कांग्रेस पार्टी के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए उतरे हैं कि आज जिस कदर महंगाई ने कहर बरपा रखा है, आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं है। आज मेरे साथ ऐसे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिनका वर्षों से राशन कार्ड नहीं है। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूं, गैस सिलेंडर आपने महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम आप हर दिन बढ़ा रहे हो, गरीब आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है, ऑनलाइन के नाम पे आपने दो दो साल से साइट बंद कर रखी है, क्या आपकी नज़र में अंबानी अडानी के अलावा किसी गरीब आदमी के पास पेट नहीं है? मैं आज बल्लभगढ़ के लोगों के साथ मिलकर ये आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग कभी रेटों पे राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम तो सड़कों पर उतरना जानते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी देखा है जो 400 रुपए का सिलेंडर होने पर रोते थे, सड़कों पर उतर जाते थे, अपने कपड़े फाड़ लिया करते थे। आज वो नेता संसद में बैठ कर सांसद होने का मजा ले रहे हैं, सरकार में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मगर आम जनता आज भूखी सो रही है। मैं ये कहती हूँ कि पहले के जमाने में इस तरह के राशन बंद करने वाले शासन हुआ करते थे तो इस तरह के लोगों को जनता ने सड़क पर उतर के उनके तख्ता पलट कर दिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किस खेत की मूली है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, किसको ज्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का? नहीं, आप, मैं सम्मानित मीडिया से फिर ये सवाल करूंगी, क्या आप और हम उसी समाज के लोग नहीं हैं, उसी पेड़ के हम पत्ते, उस डालियां नहीं हैं उस पेड़ की कि भाई हम पर असर नहीं पड़ता क्या? आप ये बताइए, आप और हमारे घर में जब सिलेंडर आता है तो उस दिन एक इतना मातम का सा माहौल रहता है कि आज सिलेंडर आया, हाय 1000 रुपए का सिलेंडर चला गया। तो आप खुद सोचिए कि कोई घर पे आ जाए तो आज चाय पिलाने के लिए, कढ़ाई रखने के लिए गैस पे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के नेता सिर्फ मौज कर रहे हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं, यहाँ बिजली महंगी, यहाँ पे पेट्रोल डीजल महंगा, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई मतलब नहीं, रोजगार खत्म। तो आज ये जनता, आप ये बताइए, राशन कार्ड नहीं है क्या? गरीब आदमी को राशन का अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये सवाल हम पूछते हैं सरकार से। और आज बल्लभगढ़ की नगरी से ये आवाज़ इतनी बुलंद होकर जाएगी कि चंडीगढ़ में इस बहरी सरकार के कानों में गूंजेगी। कांग्रेस पार्टी आज इस महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे चली है बल्लभगढ़ के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इन चीज़ों का विरोध किया है और हमेशा गरीबों की और मजदूरों की पार्टी रही है। आज प्रधानमंत्री जब सुबह उठते हैं सोके तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने का काम करते हैं। एक रोजगार दिया था उन्होंने बेरोजगारों को कि पकौड़े बनाइए और भेजिए। आज आप तेल की कीमत देखिए, आज आप कमर्शियल सिलेंडर की कीमत देखिए, एक हफ्ते के अंदर 700 रुपये कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया जो 2000 से ऊपर की कीमतों पर आ रहा है। आज आप CNG की कीमतों को देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा CNG की कीमतें हो रही है। आज इनके जो नेता है जो कहते हैं कि CNG की कीमतें बढ़ने से गरीब लोगों का क्या फ़र्क पड़ता है, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ने से गरीब लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बेतुके लोग जवाब देते हैं। क्या गरीब जनता ऑटो में नहीं चलती? क्या गरीब जनता टैक्सी में नहीं चल सकती? क्या गरीब जनता अगर किसी होटल में बैठ के खाना खाएगी तो सिलेंडर तो उसको 2000 का जब पड़ेगा किसी दुकानदार को, उस हिसाब से अपने रेट निकालेगा। जनता है ये सब जानती है। आने वाले समय में अगर इस गूंगे भरी सरकार ने जनता की मांगों को, इस कांग्रेस पार्टी की मांगों को नहीं सुना तो आने वाले समय के अंदर ये जनता जवाब देगी और सत्ता उखाड़ के फेंकने का वो काम करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार है ये हमेशा खेल पे ही काम करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। 5 स्टेटों में इनके इलेक्शन थे, उनको मद्देनजर देखते हुए इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। आज जनता इनकी हकीकत जान चुकी है और समझ रही है।
क्या आज आप डेली देखिए 10 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, दोबारा 100 रुपये पार पेट्रोल डीजल चला गया, क्या है ये हकीकत भाजपा की? आनंद लक्ष्मी जनता बताइए।